बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपकी खिदमत में बहुत ही सिंपल आलू गोश्त शोरबा की रेसिपी लेके आई हूँ। तो चलें अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यहाँ पे मैंने पैन जो है वो फ्लेम ऑन करके रख लिया हुआ है चूल्हे पर। तो ये हॉट हो चुका हुआ है, इसमें मैं डाल देती हूँ मटर और साथ ही मैंने डालना तीन मैंने अनियन जो है वो स्लाइसेस में काटे हैं, 6 से 7 जो फ्लेक्स हुए वो गार्लिक के मैंने छील लिए हुए हैं, और जिंजर मैंने 1 से 2 टेबल स्पून फ्रेश ली इसको मैंने ग्रेट कर लिया हुआ। तो अभी हमने सारा डाल के और इसमें मैं 2 कप पानी डालूंगी, और इसमें जो स्पाइसेस हैं इसमें नमक, रेड चिली का पाउडर, हल्दी, जो बेसिक स्पाइसेस है वो इसमें डाल देती हूँ। इसमें 2 कप पानी मैं डाल देती हूँ और इसको मैं पकने के लिए रख देती हूँ, क्योंकि लैम ज़्यादा टाइम लेता है। आप चाहें तो आप प्रेशर कुकर में पका सकते हैं। तो इसको मैं कुक करूँगी तकरीबन 40 मिनट तक, जहाँ तक कि हमारा लैम जो है चीज़ स्टैंडर्ड हो जाए। अब ये देखिए तकरीबन 40 मिनट्स हो चुके हूँ मैं, तो मटन हमारा तकरीबन गलने वाला है और पानी भी थोड़ा सा रह गया। तो जब तक ये पानी ड्राई हो जाएगा तब तक हमारा मीट भी अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। तो अभी इसी स्टेज पे मैं डाल रही हूँ इसमें टमाटर, मैंने 2 यूज़ किए हैं, तब तक ये भी अच्छी तरह से गल जाएंगे जो ये पानी ड्राई होता है। ये 15 से 20 मिनट तक मैंने इसको और कुक किया, तो हमारे टमाटर भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए। तो अभी इसी स्टेज पे हम इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे, जो कि मैं हॉट तक यूज़ कर रही हूँ, और इसको हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसमें मैं कुछ खड़े मसाले ऐड कर रही हूँ, वो भी इसी स्टेज पे कर रही हूँ। इसमें मैंने 3 ग्रीन वाली इलायचियाँ ली हैं, 5 से 6 मैंने ब्लैक पेपर होल ली हैं, 5 से 6 मैंने क्लव्स ली हैं, और मैंने 1 बे लीफ लिया और चिली फ्लेक्स ये मैंने 1 टीस्पून लिया। तो ये सारे मसाले इसके साथ 5 से 7 मिनट तक हम इसकी अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। फिर सलादा होना चाहिए, इसको मैंने 5 से 7 मिनट तक अच्छी तरह से भुनना है। तो हमारा जो मीट है वो अच्छी तरह से टेंडर हो चुका है। तो इसको मैं डाल दूँगी योगर्ट, जो कि मैं यूज़ कर रही हूँ आपका, और इसके साथ हम इसको अच्छी तरह से भून लेते हैं। ये देखें ऑयल बिल्कुल सलादा हो रहा है, मसाले ने ऑयल को छोड़ दिया हुआ है, यानी कि इसको मैंने बहुत अच्छी तरह से भूना है 7-8 मिनट तक। जब इसी स्टेज पे हम इसमें आलू ऐड कर देते हैं, हमारे चार दिए मैंने इस तरह काट लिया हुआ है। तो अभी हम इसके साथ भूनते हैं आलू भी, ताकि आलू का भी कच्चापन चला जाए। फिर हम इसमें इसको पानी ऐड करके इसका शोरबा बनाते हैं। ये देखें मैंने आलूओं को गोश्त को अच्छी तरह से भूनना है। तो अभी इसी स्टेज पे हम जितना शोरबा चाहिए उसी के मुताबिक ही आप पानी डालें। तो मैं यहाँ पे 2 कप डाल रही हूँ, अगर आपको ग्रेवी ज़रा थिक चाहिए थिन चाहिए बिल्कुल आपकी चॉइस है। तो इसके पक जाने तक और जब तक हमारे आलू भी गल जाएंगे, तब 8 से 10 मिनट तक हम इनको पकाते हैं। अब मैं इसमें मुझे पानी कम लग रहा है, तो 1 कप पानी मैं और ऐड करूँगी इसमें। आप ग्रेवी वाले सालन को चावलों के साथ, चले अब इसको मैं 8 से 10 मिनट तक कुक करती हूँ, जब तक हमारे आलू अच्छी तरह से पक जाएंगे। वहाँ पे देखिए अभी 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, लेकिन अभी आलू जो है वो बिल्कुल टेंडर नहीं हुए, इसको 5 मिनट और लगेंगे। तो इसमें मैं कोरिएंडर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर इसी स्टेज पर डाल देती हूँ, ताकि इसकी अच्छी सी खुशबू जो है वो इसमें आ जाए करी में।
और साथ में इसमें साबुत वाली 6 ग्रीन चिलीज वो यूज़ करी, और इसको अभी हम पकने देंगे तब तक हमारी जो नाइस स्मेल है वो ग्रेवी में आ जाए। ये देखिए 5 से 7 मिनट गुजर चुके हैं, तो आलू हमारे बहुत अच्छे टेंडर हो चुके हैं और ग्रेवी माशाल्लाह बहुत अच्छी पक गई। तो हम इसमें हरा धनिया गार्निश कर देते हैं, और इसके बाद 5-7 मिनट तक मैंने ऊपर पर रखी हुई, और इसके बाद मैं इसको आपको डिशो करके सर्व करके दिखाऊँ। यहाँ पे मैंने आलू गोश्त शोरबा को सर्व कर लिया है, बहुत ही मज़े का बना और बहुत ही सिंपल और प्लेन रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने तंदूरी रोटी को आलू गोश्त शोरबे वाले सालन के साथ सर्व किया है, बहुत ही मज़े का लगता है। जब भी आप कोई भी शोरबे वाला सालन बनाएं तो आप इसी रेसिपी को ट्राई करके आराम से तंदूर की रोटी घर में तवे पर बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आलू को शोरबा को सर्व कर लिया, बहुत ही मज़े का बना है। आप भी प्लीज़ इसी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर टू फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। मैं आपको मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक मुझे इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।